रोक कीजिए, आप हमारे ऊपर फर्जी चार्जेस लगाइए, लेकिन ये हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। हमारी आवाज आज हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी माइक, कोई भी लाउड स्पीकर नहीं है, लेकिन ये आवाज पहुंचेगी और ये आवाज सिर्फ जेएनयू के अंदर ही नहीं, जेएनयू के बाहर भी गूंजेगी, दिल्ली की सड़कों पर। ये आवाज दिल्ली की सड़कों पर गूंजेगी और इस पूरे देश भर में, जहां पर इस इंस्टीट्यूशन को, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग एक एजुकेशन हासिल करते हैं 250 रुपए में, उस इंस्टीट्यूशन को जिसको पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उस देश भर में हमारी आवाज पहुंचेगी और गूंजेगी और इसको ले जाएगा। इस आवाज को ले जाएगा इस कैंपस का एक एक छात्र, इस कैंपस का एक एक छात्र जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके, अपने नेटवर्क्स का, अपने सोशल मीडिया का, मीडिया में अपने दोस्तों का इस्तेमाल करके इस आवाज को ले जाएगा। हमारा आप सब साथियों से अपील है कि जो करेक्ट वर्जन है, हमारा आप सब साथियों से अपील है कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ट्विटर और फेसबुक के द्वारा इन सभी मैसेजेस को, सभी सच्चाइयों को चलाइए। जो लोग कहते हैं कि जेएनयू देश द्रोही है, उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा मारिए और कहिए कि अगला, अगर कोई देश प्रेम है तो वो देश प्रेम इस कैंपस से सीखिए, ये कैंपस मिसाल पैदा करेगा देश प्रेम की। देश प्रेम का दावा करके जगह जगह दंगा करवाते हैं लोगों को, बीफ के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी जाति के नाम पर बांटते हैं और काटते हैं, वो देश प्रेम है। हमें कहा जा रहा है जगह जगह संगी ट्रोल्स, हर जगह फेसबुक पे, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, न्यूज पोर्टल्स पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एक एक पोस्ट पर 10-10 कमेंट सिस्टमैटिकली लिखने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग तो टैक्स पेयर के पैसे पर पढ़ते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। हम लोग ही आपसे कहना चाहते हैं और इस देश के सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि हाँ, हम टैक्स पेयर के पैसे पर पड़ते हैं और इसलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपनी ड्यूटी का पूरा पूरा एहसास है। हम वो लोगों में से नहीं है, हम उन लोगों में से नहीं है जो अदानी के पैसे पर पलते हैं, अदानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और अदानी की भक्ति करते हैं। हम लोग हैं इस देश के, हम लोग हैं इस मिट्टी के, हम लोग इस देश के अगर कोई टैक्स पेयर है तो वो हम लोग हैं, और अगर टैक्स को हम लोग जिस टैक्स को देते हैं, हमारे माँ बाप जिस टैक्स को देते हैं, उसको टैक्स सब्सिडीज में बड़े बड़े बैंक्स को, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को, बैंकक्रप्ट कॉर्पोरेशंस को देने वाला अगर कोई है तो वो इस देश का, तो वो इस देश की सरकारें हैं जो नियो लिबरल रेजिम के ठेकेदार हैं, जो नियो लिबरल रेजिम के दलाल हैं और जो इस देश को बेचने की हर साजिश कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट से कोर्ट में पूछा गया, जब बिना किसी लॉयर के उनको उनको प्रेजेंट होने के लिए कहा गया, उनको पूछताछ के लिए उठा के ले गए, कॉमरेड कन्हैया को यहाँ से उठा कर ले गए, कई घंटे तक पूछताछ के नाम पे ना जाने क्या चलता रहा, और 2 घंटे की नोटिस में उनको कहा गया कि आपको कोर्ट में पेश करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लॉयर नहीं था। जब तक उनका लॉयर वहां तक पहुंचा, तब तक पेशी हो चुकी थी, और वो जज हमारे प्रेसिडेंट से पूछती है कि भाई तुमको किस चीज से आजादी चाहिए, तुमको किस टाइप की आजादी चाहिए। हम लोग आज उस आजादी को डिफाइन करते हैं, हमें आजादी चाहिए देशद्रोहियों से, हमें आजादी चाहिए
कश्मीर और केरल नहीं, ये पूरा देश आजादी मांग रहा है WTO से, ये पूरा देश आजादी मांग रहा है जातिवाद से, उस जातिवाद से जिसकी वजह से हमारे साथी रोहित वेमुला को अपनी जान देनी पड़ी। हम लोग आजादी मांगते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज से, हम लोग आजादी मांगते हैं 377 और सेडिशन जैसे घटिया कानूनों से, हम लोग आजादी मांगते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से, हम लोग आजादी मांगते हैं हर तरीके के शोषण से, और हम लोग आजादी मांगते हैं और मांगते रहेंगे जो 1% इस देश के पूरे रिसोर्सेस को कंट्रोल किए हुए हैं, उस 1% की गुलामी से हम लोग आजादी मांगते हैं। एक बात को हमें स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए और कहना चाहिए, आज कॉमरेड कन्हैया जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई नारा लगाया, वो जेल में इसलिए नहीं है कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, वो जेल में इसलिए नहीं है कि उन्होंने आजादी मांगी, वो जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने फेलोशिप का सवाल उठाया, वो जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारे एक साथी स्टूडेंट रोहित वेमुला के लिए आवाज उठाई। आज हमारे जो बाकी साथी है जिन पर सेडिशन के चार्जेस लगे हुए हैं, जिसमें हमारे JNUSU के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड रामानागा भी है और भी कई लोग पर सेडिशन और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए हैं, उन लोगों ने इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि उन लोगों ने कोई गलत बात कह दी थी, वो लोगों पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल तो JNU को पंजनी उसी वक्त घोषित कर चुका था जिस वक्त ऑक्यूपाई UGC जैसा मूवमेंट अपने पीक पर चल रहा था। ये सजा जो हमें मिल रही है ये अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की सजा है और इस सजा को हम लोग खुशी खुशी झेलेंगे। हमें अगर आज जेल जाना पड़ा, हमें अगर फांसी पे लटकना पड़ा, हम लोग लटकेंगे क्योंकि हमारे जो साथी शहीद हुए हैं, आज भगत सिंह एक देशद्रोही की तरह नहीं जाने जाते, आज कॉमरेड चंदू इसलिए जाने जाते हैं कि ठीक इसी तरह से आप लोगों ने, हमसे पहले आने वाले लोगों ने उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में इसी एड ब्लॉक को जाम किया था, और अगर हम भी इस एड ब्लॉक को जाम करते करते सामंतवादी ताकतों से लड़ते लड़ते, रणवीर सेना जैसी ताकतों से लड़ते लड़ते और RSS जैसी ताकतों से लड़ते लड़ते अगर हम लोग शहीद हो जाते हैं तो हम लोग शहीद होने के लिए तैयार है। हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि हम लोग देशद्रोही है या देश प्रेमी है। वो लोग 26 जनवरी को जब इस देश ने एक संविधान अडॉप्ट किया उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं, वो लोग तिरंगे झंडे की जगह भगवा झंडा फैलाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो गांधी के हत्यारे गोडसे के मंदिर बनाना चाहते हैं और हमसे कहते हैं कि तुम लोग देशद्रोही हो। आप लोगों ने आज एक वीडियो देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि सबने देखा होगा, ट्विटर पर आज एक टॉप ट्रेंड चल रहा था #ABVP exposed, उस वीडियो को जरा गौर से देखिए, उसमें Zee News ने उसको चलाया, पूरे टाइम चलाया और पाकिस्तान जिंदाबाद ये कहता रहा कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ABVP के अपने एक्टिविस्ट लगा रहे थे। तो क्या आज उन पर सेडिशन का कानून लगना चाहिए? चाहिए। नहीं, हम लोग इस बात को नहीं मानते। हम लोग मानते हैं कि सेडिशन का कानून एक पावरफुल का एक इंस्ट्रूमेंट है और वो हर बार जो भी सत्ता में बैठा होता है उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है। हम लोग किसी भी स्टूडेंट पर सेडिशन का चार्ज लगाने के लिए एडवोकेट नहीं करते, भले वो स्टूडेंट ABVP का हो, भले वो स्टूडेंट ABVP का हो, भले वो स्टूडेंट किसी और संगठन का हो, क्योंकि हम लोग मांग करते हैं कि सेडिशन का कानून किस देश
देश के इस देश के लॉ बुक में सेडिशन के कानून की कोई जगह नहीं है, क्योंकि सेडिशन का कानून कहता है कि आपको अपनी सरकार से प्यार करना पड़ेगा। इससे पहले असीम त्रिवेदी, एक कार्टूनिस्ट, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कार्टून बनाए थे और उन पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया था, उन लोगों पर नहीं। जो लोग 10-10 स्कैम कर, जो 10-10 स्कैम करके विदेश घूम रहे थे उन पर सेडिशन का चार्ज नहीं लगा। हम लोग मांग करते हैं कि इस सेडिशन के कानून को इस देश की हिस्ट्री से दूर कर दिया जाए। ये सेडिशन का कानून ठीक उसी तरह से जिस तरह से सेक्शन 377 है, ये एक कॉलोनियल रेमिनेंट है, ये एक कॉलोनियल लेगेसी है, और ऐसी हर एक कॉलोनियल लेगेसी को, चाहे वो आज के जमाने के मैकॉले हो, जैसे कि हमारी स्मृति ईरानी, वो भी एक कॉलोनियल लेगेसी है। उस वक्त अंग्रेज इस देश को एजुकेशन के थ्रू कंट्रोल करना चाहते थे, आज स्मृति जी ठीक वही कर रही है। उस मनुस्मृति ईरानी को भी हम कॉलोनियल लेगेसी मानते हैं। और ऐसे हर एक कॉलोनियल बैगेज को, चाहे वो फेयरनेस क्रीम हो या चाहे वो इंग्लिश के नाम पर लोगों को नीचा दिखाना, मेरिट के नाम पर लोगों को नीचा दिखाना, इस सब हर एक कॉलोनियल लेगेसी के हम लोग खिलाफ है। हम लोग आज इस बात को बार बार कहते हैं, हमारे लीडर्स इसलिए अंडर अटैक है, हमारे लीडर्स इसलिए जेल में है, हमारे लीडर्स इसलिए डिबार्ड है, हमारे लीडर्स इसलिए क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा, इस देश की सरकार से सवाल पूछा, उन लोगों ने कुछ मूवमेंट खड़े किए, हम लोगों ने अपना खून और पसीना बहाकर, बार बार पुलिस की मार खाकर, बार बार पुलिस की गालियां सुनकर इन मूवमेंट्स को सस्टेन किया। इसलिए साथियों एक अपील आप सब साथियों से करना चाहती हूँ, एज द लोन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ JNU स्टूडेंट यूनियन, बिसाइड्स द राइट विंग ज्वाइंट सेक्रेटरी हु हैज नो शेम एंड इज कंटिन्यूअसली डिफेमिंग आवर इंस्टीट्यूशन which he is supposed to defend the campus which elected him, he is defaming it as the lone representative of that union. I appeal to you to take these calls forward. Mujhe yaad hai jis waqt occupy UGC ki pichli meeting baithi thi coordination committee ki, us waqt comrade Kanhaiya ne ek proposal rakha tha ki 18 फरवरी को हम लोग ऑक्यूपाई यूजीसी के मूवमेंट के तहत एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्ट्राइक करेंगे। वो कॉल आज उसका नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं बचा, क्योंकि हमारे कैंपस के सभी लीडर्स को उन पर सेडिशन चार्जेस लगाए गए, उनका स्टूडेंटशिप रिवोक किया गया। लेकिन हम रिजॉल्व करते हैं कि 18 फरवरी की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्ट्राइक को हम लोग सफल बनाएंगे इस कैंपस पे। हमारे लीडर्स का विछंड जिस कारण की वजह से चल रहा है, हम उन मूवमेंट्स को टूटने नहीं देंगे। हम लोग 18 फरवरी के ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्ट्राइक को हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे, इस कैंपस का एक एक स्टूडेंट सक्सेसफुल बनाएगा, और आपके बाकी कैंपसेस में, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, BHU में, AMU में, आपकी किसी भी और यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इस कॉल को गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब में इसको सक्सेसफुल बनाइए। इसके साथ साथ साथियों आप लोग जानते हैं कि HCU के जो हमारे साथी हैं वो लोग दिल्ली चलो के एक कॉल में गए थे हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के बाद, वो लोग 23 फरवरी को वो लोग दिल्ली आएंगे और एक पार्लियामेंट मार्च करेंगे। भले ही हमारे लीडर्स पर केसेस हो, इस कैंपस का एक एक छात्र आज यहाँ से रिजॉल्व करे कि उस कॉल को हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे HCU के साथियों के साथ में। ये एकदम संभव है कि आज से कुछ दिन बाद हम में से भी जो लोग आपके बीच में मौजूद हैं, जो लोग बचे कुछ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हो ही सकता है कि हम लोगों को भी अरेस्ट किया जाए, इसकी एकदम संभावना है। लेकिन बिना डरे इस कैंपस का एक एक छात्र इन दोनों कॉल्स को सक्सेसफुल बनाएगा। और इसी के साथ साथ